हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास, क्लास 11th केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यूनिट 4 में पार्ट 19 में हम स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कंटिन्यूएशन में हम स्टडी कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि पार्ट 18 तक प्रेजेंट हैं और आप उसको डिटेल में 1 to 18 पार्ट्स स्टडी कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाकी वीडियोस को देखने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के कंटिन्यूएशन में आज हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, जिसमें कि डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। क्या है ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, चलिए पढ़ते हैं। When 1s, 3p and 3d orbitals are used in hybridization, total orbitals are 7 and these new orbitals will be with equivalent energy and identical shape. जब एक s, 3p और 3d orbital intermix हो, hybridize हो energy के साथ और बनाए same number new orbitals जिनकी इक्वलेंट एनर्जी होगी, एनर्जी वाइज और शेप वाइज सभी एक जैसे होंगे, इसे कहते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का नाम डेराइव किया गया है कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एक s, 3p और 3d। सो इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3d3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम के पास जो कि एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है या एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, बॉन्ड बनना चाहिए एक, लेकिन ये एटम किसी पर्टिकुलर एटम के साथ जो कि फ्लोरीन की फॉर्म में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो कि किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, तो फ्लोरीन की प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉन एस और पी से जंप कर जाते हैं d ऑर्बिटल्स में, जिससे कि हाफ फिल ऑर्बिटल्स की नंबर हो जाते हैं 7 और ये सब मिलके बनाते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये स्टेट कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहलाती है जिसमें कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन शो की गई है। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, एक s, 3p और 3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि तीन नंबर में है dxy, dyz एंड dzx, ये थ्री ऑर्बिटल्स साथ में यूज हुए हैं और सब मिलके बना रहे हैं sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3d3 7 ऑर्बिटल्स हैं एंड दीज आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिड, यानी पेंटागोन के ऊपर दो पिरामिड्स बने हुए हैं, वन अबव एंड वन बिलो, तो ये शेप कहलाती है पेंटागोनल बाई पिरामिड। 7 डायरेक्शंस में ये अरेंज्ड है। आउट ऑफ 7, 5 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन ए प्लेन ऑफ पेंटागोन एट एंगल ऑफ 72 डिग्री। तो 5 ऑर्बिटल्स पेंटागोन की फॉर्म में हैं जिनमें की बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री, जबकि 2 ऑर्बिटल्स ये अरेंज होंगे वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ पेंटागोन और एंगल होगा 90 डिग्री एज कंपेयर टू प्लेन ऑफ पेंटागोन। प्लेन ऑफ पेंटागोन के 90 के एंगल पे प्रेजेंट हैं 2 ऑर्बिटल्स और 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं पेंटागोन की डायरेक्शन में। पेंटागोन मीन्स 5 कॉर्नर्स, जो कि एक 2-डायमेंशनल प्लेन है। इसका एग्जाम्पल है IF7, आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 53 एंड इसकी कॉन्फिगरेशन शो की जा सकती है क्रिप्टॉन 5s2, 5px2, 5p, 5p2 एंड 5pz1। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पर एक बॉन्ड बनना चाहिए, बट आयोडीन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन और फ्लोरीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो आयोडीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सकता है और ऐसी कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में एस और पी ऑर्बिटल्स जंप कर जाते हैं डी ऑर्बिटल्स में और बनते हैं टोटल 7 हाफ फिल ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे
एंड दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, क्योंकि इसमें एक s, तीन p और तीन d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं लास्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स के लिए। ये सेवन ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं 1s, 3p और 3d, ये डायरेक्टेड हैं सेवन कॉर्नर्स की तरफ पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में। और जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं कि दोनों ही डायग्राम में क्लियर है, इन फर्स्ट डायग्राम फाइव कॉर्नर्स जो कि एक प्लेन बना रहे हैं, फाइव कॉर्नर्स वाला, इसको बोलेंगे हम पेंटागोन, एंड वन ऑर्बिटल इज अबव एंड वन ऑर्बिटल इज बिलो द प्लेन, इसे हम कहते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिड। बोन फॉर्मेशन के समय आयोडीन के सभी sp3d3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एक्जियली विद pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और ये ओवरलैपिंग शो की गई है, एक्जियल ओवरलैपिंग है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यूज हो रही है, आई और एफ के बीच में जो लाइन है वो बॉन्डिंग में यूज हुई है, दैट्स व्हाई इट इज sp3d3 pz सिग्मा बॉन्ड, और इसकी ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। ये है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल IF7। ज्योमेट्री को हम स्टडी कर सकते हैं, IF7 में फाइव ऑर्बिटल्स जो अरेंज्ड हैं पेंटागोन की फॉर्म में हैं, एंड बॉन्ड एंगल इज 72 डिग्री, एंड वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन आर एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर प्रेजेंट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द पेंटागोन, एंड देयर बॉन्ड लेंथ इज 186, बट इन इक्विटोरियल IF बॉन्ड्स जो कि पेंटागोन के प्लेन में हैं, दीज आर शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड्स एंड वैल्यू इज 179 पिकोमीटर। सो वन अबव एंड वन बिलो जो प्लेन में बॉन्ड्स बन गए हैं, क्योंकि ये फाइव इक्विटोरियल बॉन्ड से रिपेल्ड हैं, सो दीज आर मोर रिपेल्ड, और बॉन्ड एंगल इनका होगा 90 डिग्री, और इनकी बॉन्ड लेंथ स्लाइटली ज़्यादा होगी 186 पिकोमीटर। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इन sp3d3 क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मे बी विच डी ऑर्बिटल्स आर यूज इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 में कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर dxy, dyz एंड dzx, ये थ्री ऑर्बिटल्स यूज होंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में और बनाएंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।